वेलकम टू इलाइट एकेडमी। चलिए जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज के क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल, इस क्लास में हम पढ़ेंगे 1.1 के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि जो नीचे दिए गया है इनमें से कौन सा सेट है और कौन सेट नहीं है। देखिएगा, आप यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए तो 11th क्लास में मैथ है आपके पास, लेकिन आगे चलकर आप हो सकता है कुछ स्टूडेंट की लाइन चेंज हो जाए, कुछ स्टूडेंट का आगे चलकर भी मैथ रहे, लेकिन जो स्टूडेंट आगे चलकर मैथ के फील्ड में ही जाना चाहते हैं उसके लिए ये सेट थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें कम है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, आपको थोड़ा सा समझना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। यदि आप आगे चलकर मैथ फील्ड में जाना चाहते हैं तो सेट थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपने ये नहीं समझी तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए और मतलब ध्यान पूर्वक समझिए, ध्यान लगाकर समझिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग द लेटर जे। अब आप यहां पे देखिए, जो ये जे जो ईयर के मंथ्स है जो जे से स्टार्ट हो गए, क्या आप उनको लिस्टेड कर सकते हो? आप यहाँ पे चेक करोगे, जो भी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, जो भी यहाँ पे रिटर्न में दिया गया है, जो भी यहाँ दिया गया है, क्या हम उनको लिस्टेड कर सकते हैं? लिस्टेड मतलब रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि हम रोस्टर फॉर्म में और बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं तो ही हम उसको वेल डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जे से स्टार्ट हो गए हम उनको लिख सकते हैं क्या, जैसे जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, तो जो यहाँ पे जैसे स्टार्ट हो गए हम उनको लिस्ट के रूप में लिख सकते हैं। या फिर यदि मैं इसको बोलना चाहूं, क्या हम बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है, इज ए मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। क्या? इज ए मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग विद लेटर जे। ठीक है, मतलब आपने इसको फर्स्ट फॉर्म में भी लिखा, सेकंड फॉर्म में भी लिखा, दोनों में लिख सकते हैं, तो ये क्या हुआ, ये वेल डिफाइंड हुआ। वेल डिफाइंड हुआ तो क्या ये सेट है? हाँ जी, ये सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेट है। सेकंड की बात करें, इसमें कहा द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब यहां पे देखिए, इसमें क्या 10 मोस्ट टैलेंटेड ऑफ राइटर ऑफ इंडिया। अब आप मुझे बताइए, जो राइटर होता है ये तो किसी भी फील्ड में भी हो सकता है, मतलब साहित्य में भी हो सकता है, हो सकता है इंग्लिश का राइटर हो सकता है हिंदी का राइटर हो, या हो सकता है केवल पोयम लिखता हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है, वो राइटर है तो वो कहीं का राइटर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इसको बोलोगे कि वेल डिफाइंड नहीं है। बात क्लियर हुई? आप भाई, राइटर तो कहीं के किसी भी फील्ड में हो सकता है ना, अलग अलग फील्ड में, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। यदि फिक्स नहीं है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। जब ये वेल डिफाइंड नहीं होगा तो ये सेट नहीं होगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे नो, दिस इज नोट, नोट ए सेट। ठीक है, नोट ए सेट, बिकॉज दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। क्या लिखोगे? दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, यहाँ पे लिखा जाएगा दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर? उम्मीद है यहां तक क्लियर आया होगा समझ में। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इसने कहा द टेन ऑफ सॉरी द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। अब देखिए यहां पे भी इसने दिया है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड।
अब आप देखिएगा यहां पे बैट्स बैट्समैन दिया है, ठीक है। यहां पे दो तरीके से हो सकता है, हो सकता है लेफ्ट हैंडेड हो, या हो सकता है राइट हैंडेड हो, या फिर हो सकता है मेल हो या फिर फीमेल हो। मतलब यहाँ पे भी कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, आप इसको क्लियर नहीं कर सकते कि मतलब ये मतलब कौन सा बैट्समैन है, ठीक है ना। तो आप इसको भी बोलोगे कि ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। बात क्लियर हुई? चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है योर क्लास। आप यहाँ पे जिस भी क्लास में हो सकता है आप 11th A में हो सकता है 11th B में हो, तो आप जिस भी क्लास में होगे, आप जिस क्लास में हो उस क्लास के बच्चों को डिफाइन करना है, उस क्लास के बॉय को डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये एक सेट है। जब ये एक सेट है तो आप इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखा जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको लिखा जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज ए बॉय ऑफ क्लास, जिस भी क्लास में आप हो, जैसे 11A। क्लियर? आप इसको डिफाइन कर सकते हो, दिस इज ए वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड तो ये एक सेट हुआ। बात क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इसने कहा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। मैंने लास्ट क्लास में बताया था नेचुरल नंबर क्या होता है। यदि हम नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मैं आपको दोबारा बोलना चाहूंगा, यदि आप मैथ फील्ड में आगे जाना चाहते हो, किसी भी फील्ड में, हो सकता है आप जेई की तैयारी करो, या फिर हो सकता है बीएससी एमएससी करो, या आईआईटी में जाने की तैयारी करो, तो यदि आप मैथ फील्ड से किसी भी फील्ड में जाओगे तो ये सेट थ्योरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अभी ध्यान से समझ लोगे तो आगे चलकर बहुत लाभ मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए जी, ये कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 100। कल आपको बताया था कि ये सेट जो है ये नेचुरल नंबर का है। यदि आपको 100 से लेस लिखना है तो क्या आपको लिख नहीं सकते? हाँ जी, इसको हम लिख सकते हैं। कैसे? 1, 2, 3, 4 कहां तक? 100 तक, ठीक है। चलिए जी, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये क्या हुआ? ये सेट हुआ। बात क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, इसने कहा द कलेक्शन ऑफ नोवल राइटर बाय द राइटर प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। चलिए जी देखो, यहाँ पे राइटर फिक्स दिया है, क्या? मुंशी प्रेमचंद। तो जो आप नोवल लिख लोगे, जो नोवल का कलेक्शन करोगे आप, वो केवल और केवल मुंशी प्रेमचंद का करना है, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। आप इसको लिखोगे कैसे? यदि आप इसको लिखना चाहोगे तो इसको लिखा जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज ए नोवल, इज ए नोवल ऑफ मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। समझ आया? मतलब वेल डिफाइंड क्या है, वेल डिफाइंड क्या नहीं है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है? मैंने आपको कल ही बताया था, इंटीजर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर, रियल नंबर। तो इंटीजर क्या होता है? आई भी बोल सकते हो आप, जेड भी बोल सकते हो। तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक। दिस इज ए वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है। जब वेल डिफाइंड है तो ये क्या होगा? ये सेट होगा। बात क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। देखो यहाँ पे दिस चैप्टर दिया है, दिस चैप्टर का मतलब एक स्पेशल चैप्टर है, स्पेशल चैप्टर है तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो। जब डिफाइन कर सकते हो तो ये क्या हुआ? एक सेट हुआ। सेट क्यों हुआ? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। जब ये सेट है तो आप इसको लिखोगे कैसे? यदि आप इसको लिखना चाहोगे तो लिखा जाएगा द सेट, जब आप इसको लिखोगे तो लिखा जाएगा एक्स, एक्स इज द सच दैट, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसको क्या बोला जाता है?
इसको बोला जाता है सच दैट। कभी कभी ये सिंबल इस रूप से भी आ जाता है, ठीक है, कभी कभी केवल ये भी लगा देता है, जैसे मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स, इसको भी आप सच दैट पढ़ोगे, ठीक है। चलिए जा, एक्स सच दैट एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, सॉरी यहां पे इक्वल नहीं, एक्स सच दैट एक्स इज द क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज द क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। बात क्लियर, दिस चैप्टर मतलब आप चैप्टर का नाम भी लिख सकते हो, चैप्टर वन चैप्टर टू समथिंग, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये एक वेल डिफाइंड हुआ, वेल डिफाइंड हुआ तो ये सेट हुआ, क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में क्या है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब आप मुझे बताइए जो डेंजरस एलिमेंट है, एनिमल है, जो खतरनाक जानवर होते हैं, क्या वो फिक्स है? नहीं जी, फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, जो भी जंगली जानवर है वो डेंजरस हो सकता है, जो जंगल में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि ये फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। जब कोई सेट वेल डिफाइंड नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट ए सेट, मतलब ये सेट नहीं है। बात क्लियर, तो यहां पे लिखोगे इज नॉट ए सेट। चलिए जी, उम्मीद है ये सभी आपको समझ आया होगा, यदि फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं, इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर जाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा कुछ समझाना चाहूंगा। जो ये सैंबल दिया गया है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट, यदि हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं वहां पे एक सेट डिफाइन है, जो एलिमेंट हमने लिया क्या वो उस सेट का एलिमेंट है, यदि वो उस सेट का एलिमेंट होगा तो वहां पे हम सिंबल लगाएंगे बिलोंग्स टू। हाँ, यदि वो एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट नहीं है तो वहां पे ये सिंबल लगाएंगे, इसको बोला जाता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, क्लियर, नॉट बिलोंग्स टू। अब यहां तक ये समझ में आया, बिलोंग्स टू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, ठीक है। चलिए जी, यहां पे आप देखो जो ये फाइव है, यहां पे आपको फिल करना है इनमें से, या तो ये या फिर ये, फाइव है, क्या फाइव इस सेट का एलिमेंट है? हाँ जी, फाइव इस सेट का एलिमेंट है, जो फाइव इस सेट का एलिमेंट है तो यहां पे आएगा बिलोंग्स। क्या एट इस सेट का एलिमेंट है? नहीं जी, एट इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो यहां पे आएगा डज नॉट बिलोंग्स, क्लियर। क्या जीरो इस सेट का एलिमेंट है? नहीं, जीरो इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो यहां पे आएगा डज नॉट बिलोंग्स। क्या फोर इस सेट का एलिमेंट है? हाँ जी, फोर इस सेट का एलिमेंट है, जब फोर इस सेट का एलिमेंट है तो यहां पे आएगा बिलोंग्स टू, क्लियर। उम्मीद है समझ आया होगा। ये टू, क्या टू इस सेट का एलिमेंट है? हाँ जी, टू इस सेट का एलिमेंट है, तो यहां पे आएगा बिलोंग्स टू। इसी तरीके से क्या टेन इस सेट का एलिमेंट है? नहीं, टेन इस सेट का एलिमेंट नहीं है, मतलब टेन इसमें नहीं है, जब टेन इसमें नहीं है तो यहां पे क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। बात क्लियर, तो यहां पे इन दो का कंसेप्ट यही था कि यदि कोई एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट है, उस सेट में है, तो आप वहां पे बिलोंग्स लगाओगे, और यदि उस सेट का एलिमेंट नहीं है तो वहां पे आप डज नॉट बिलोंग्स लगाओगे, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू लगाओगे। यहां तक क्लियर? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड आगे चलते हैं। इसने कहा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म का मतलब है लिस्ट में जब हम लिख सके, लिस्ट, लिस्ट फॉर्म, ठीक है, जब हम किसी भी सेट को लिस्ट के रूप में लिख सके, लिस्ट मतलब एक सीरीज के रूप में लिख सके, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसने कहा ए इक्वल है एक्स सच दैट एक्स इज ए इंटीजर एंड माइनस थ्री लेस देन इक्वल एक्स लेस देन सेवन। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है? ये है बिल्डर फॉर्म में, क्लियर। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है लिस्टेड फॉर्म में,
तो यहाँ पे ए इक्वल क्या आ जाएगा, जब आप लिस्टेड में लिखोगे इंटीजर लेना है, इंटीजर मतलब आई से लेना है आपको, आई या जेड से, ठीक है। यहाँ पे आपको लेस देन इक्वल लगा है तो आप थ्री भी लोगे, यहाँ पे केवल लेस देन है तो यहाँ पे केवल आप सेवन लोगे, सेवन से लेस लेस लोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या सेवन आएगा? नहीं जी, सेवन नहीं आएगा, तो ये आपका ए हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए सेकंड देखिएगा, इसने कहा बी, बी इक्वल क्या है, एक्स, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर, देखो ये वर्ड आप पढ़ते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि नेचुरल नंबर होता क्या है, एन, मतलब आपको जो एलिमेंट लेने हैं वो एन से लेने हैं, जो एन इक्वल सेट बताया था आपको, एन इक्वल क्या बताया था, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक, क्लियर। जो भी नंबर लोगे आप यहीं से लोगे, चलिए जा कहां तक लेने हैं, लेस देन 6, लेस देन 6, तो बी इक्वल आ जाएगा 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5। क्या 6 आएगा? नहीं जी, 6 नहीं आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूं, जो सेट होता है उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होता। मान लिया जाए ए सेट लिखा मैंने 1, 2, 3, 4, 4, 4, ये सेट नहीं है क्योंकि इसमें नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन ये सेट कब होगा, जब आप इसको सेट के फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा 1, 2, 3, 4। 4 को आप एक बार लिखोगे, जो भी एलिमेंट रिपीटेड है उसको आप एक बार लिखोगे, रिपीट नहीं करोगे। जब आप इसको रिपीट नहीं करोगे तब ही ये क्या बनेगा, तब ये सेट बनेगा, क्लियर। चलिए जी, तो जैसे सी है, सी इक्वल, ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे बहुत क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सेट है नहीं है, रिपीटेड करके दिया जाएगा। फिलहाल आप थर्ड क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट, ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट 8, यानी कि जो भी उनका सम होगा वो क्या होगा, वो 8 होगा। चलिए 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है आपको, 2 डिजिट मतलब आपको 10 से स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट करके कहां तक जाओगे आप, 10 से स्टार्ट करना है और 99 तक जाना है, क्योंकि यदि आप 100 पे पहुंचोगे तो ये कितने डिजिट हो जाएगा, 1, 2, 3, 3 डिजिट हो जाएगा। यदि आप 10 से कम लिखोगे, 9 पे जाओगे तो ये 1 डिजिट हो जाएगा, क्लियर। तो इसके बाद लिखना है, इससे कम लिखना है, लेकिन वो नंबर लिखना है जिनका सम क्या हो, 8 हो। चलिए जी देखिएगा, देखो डिजिट का सम 8 करना है तो पहला नंबर क्या होगा, 1, 7, ठीक है, 70। सेकंड क्या होगा, 2, 5, सॉरी 2, 6, ठीक है। थर्ड क्या होगा, 3, 5, उनका सम हमको क्या निकालना है, 8 निकालना है। जैसे इनका सम क्या हुआ, 8, 2 प्लस 6 क्या होगा, 8, 3 प्लस 5 क्या होगा, 8, इसी तरीके से 4 एंड 4, 4 प्लस 4 क्या होगा, 8, इसके बाद क्या आएगा, 5, 3, इसके बाद क्या आएगा, 5, 3 के बाद 6, 2, इसके बाद क्या आएगा, 7, 1, इसके बाद भी कोई आ सकता है, हाँ जी एक नंबर बचा, 8, 0, क्लियर। इसके बाद कोई नंबर नहीं होगा जिनका सम क्या होगा, 8 होगा, क्लियर। क्या आप यहाँ पे 08 लिख सकते हो, 08 नहीं, 08 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये 1 डिजिट का नंबर है, क्लियर। तो इसमें यही होगा, इन सब का सम क्या होगा, 8 होगा। उम्मीद है यहां तक आपने अभी अच्छे से समझा होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 16, ठीक है। चलिए जी, जो 60 का डिवाइजर होगा, डिवाइजर का मतलब क्या होता है, डिवाइजर का मतलब होता है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करे, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड करे, जो नंबर 60 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, डिवाइजर कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा 60 प्लस 50, क्या इसको डिवाइड करेगा, हाँ जी डिवाइड करेगा, तो ये इसका एक डिवाइजर है, क्लियर। तो यदि मैं इसको सेट रूप में लिखना चाहूं तो सेट रूप में कैसे लिखेंगे, यहां पे सेट रूप में लिखा जाएगा क्या, डी, डी इक्वल होगा
वन इसका डिवाइजर है, हाँ जी वन डिवाइजर है, टू इसका डिवाइजर है, हाँ जी डिवाइजर है, थ्री फाइव फोर होगा, हाँ जी फोर भी तो होगा, फोर फाइव सिक्स 10, 12, 15, 20, 30 एंड 60, ठीक है। मतलब जो भी इसके डिवाइजर होंगे वो सब यहाँ पे काउंट होंगे, लिखे जाएंगे, ठीक है। यदि मैं इसको सेकंड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सेकंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यदि मैं यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको सेकंड फॉर्म में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए डिवाइजर, डिवाइजर ऑफ 60, यदि आप इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहोगे, ठीक है। बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना था, लिस्टेड फॉर्म में लिखना था, तो लिस्टेड फॉर्म में आपने लिखा, क्लियर। चलिए जी थोड़ा सा यहां से रफ कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। सेट में आपका सेट स्टार्टिंग में क्लियर हो गया तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, आप ये क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, ये कह रहा है कि ई द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। आपको बस क्या करना है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आपको अलग अलग लिख देना है, जो एलिमेंट रिपीटेड है उसको एक बार लिखना है। तो आप यहाँ पे ई क्या लिखोगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो भी एलिमेंट रिपीटेड होगा उसको एक बार लिखोगे। चलिए जी कैसे लिखेंगे, टी आर आई जी ओ एन, ओ क्या आएगा, नहीं जी ओ दोबारा नहीं आएगा, एम ई टी आएगा, नहीं जी टी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, आर पीछे आ गया, टी आर यहाँ पे लिखा गया है, तो अब क्या बचा केवल वाई, क्लियर। इसी तरीके से बिल्कुल आपको एफ को लिखना है, ये कह रहा है द सेट ऑफ आर लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ये कह रहा है कि एफ, इसको कैसे लिखोगे आप, बी ई टी आर, जो भी कैपिटल जो भी लेटर होगा उसको एक बार लिखेंगे, एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा, क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब आप यहां पे देखिएगा आपको करना है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। आपको जो भी सेट दिए गए हैं ये सभी सेट आपको क्या लिखना है, बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बिल्डर फॉर्म का मतलब जो आप एक्स सच दैट एक्स करके लिखते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको x सच दैट x करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या है, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व, मतलब थ्री का मल्टीपल है, क्या है थ्री का मल्टीपल, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फर्स्ट x सच दैट x इज ए मल्टीपल मल्टीपल ऑफ थ्री एंड लेस देन 15, लेस देन 15, क्लियर। देखो यहां पे 15 से लेस है, आप यहां पे दो दूसरा वर्ड भी लिख सकते हो, लेस देन एंड इक्वल, जब यहां पे इक्वल लगा दोगे तो यहां पे 12 लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, तो ये आएगा x सच दैट x इज ए मल्टीपल, मल्टीपल होता है उसका जो मल्टीपल होता है, ठीक है, डिवाइजर होता है जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करे, यहां तक क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, या इसको अलग फॉर्म में यदि हम लिखना चाहे, ये मतलब एक टाइप तो मैंने ये बता दिया, दूसरा यदि हम लिखना चाहे तो इसको लिखेंगे x सच दैट x इक्वल थ्री एन फोर ऑल एन लेस देन फोर, ठीक है, जो n है ये लेस देन फोर है, लेस देन फोर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
ठीक है, ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, दोनों ठीक है, गलत कोई नहीं है। देखिए जैसे सेकंड है, अब आप सेकंड को क्या लिखोगे, सेकंड है 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आप कैसे लिखोगे, देखो ये जो नंबर लिखे गए हैं ये 2 की पावर के रूप में लिखे गए हैं। आप जैसे इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। जब आप इस सेट को ऐसे लिख सकते हो, मतलब जो भी एलिमेंट है वो 2 की पावर के रूप का लिखा गया है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स एक्स की पावर एन, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल जो है ये 2 की पावर n के रूप का है, फॉर ऑल n। अच्छा हाँ, ये सिंबल जो होता है, ये वाला सिंबल, इसको लिखा जाता है फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब है कि जो एलिमेंट है ये n को बिलोंग्स करता है, n मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। जो ये स्मॉल n है आपको नेचुरल नंबर से लेना है, एंड n की वैल्यू लेस देन 6 लेनी है, क्योंकि 6 नहीं लेनी, 6 से लेस देन लेनी है। आप यहाँ पे लेस देन 6 लिख लीजिएगा या फिर लेस देन एंड इक्वल 5 लिखिएगा। जो यहाँ पे नंबर आया हुआ है यदि आप वो लिखोगे तो यहाँ पे इक्वल भी लगाना है, यदि यहाँ पे आप उससे अगला नंबर लिखोगे तो केवल लेस देन लगाना है। बात क्लियर? तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट दिया गया है आपको ये देखना है कि किसकी फॉर्म का लिखा गया है, लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे ये सेट है, इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4, तो इसको भी आप बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 6, डॉट 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 2, 4, 6। यहाँ पे आप देखोगे कि जो नंबर है ये 2 से डिवाइड है, 2 से डिविजेबल है, और ऐसा नंबर क्या होता है जो 2 से डिविजेबल होता है, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। एक होता है ओड नंबर, एक होता है इवन नंबर। ओड नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। ओड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं होता। यहाँ पे सभी एलिमेंट 2 से डिवाइड है, तो इसका मतलब है ये क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर क्यों लिखा, क्योंकि ये 1 से ग्रेटर है। यदि आप यहाँ पे लेस वाले भी होते, सपोज दैट इसको मैं लिखता, ये यहाँ पे सेट होता माइनस डॉट 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 -6 -4 -2 0 2 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यदि इस टाइप से होता तो आप यहाँ पे लिखते एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, ठीक है, तब यहाँ पे क्या लिखा जाता, इंटीजर, क्योंकि जो यहाँ पे लिया गया है वो इंटीजर से लिया गया है, लेकिन जो यहाँ पे है वो नेचुरल नंबर से है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इवन नेचुरल नंबर। क्लियर? उम्मीद है ये सब समझ आया होगा। चलिए जी लास्ट बचा क्या है, 1, 4, 9, 10। 1, 4, 9, 10 है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है 1, 4, 9, सॉरी 1, 4, 9 एंड 16। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, जो सभी है ये स्क्वायर के रूप में लिखे गए हैं। तो जब आप इसको बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा एक्स, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इक्वल है एन स्क्वायर, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? जो एन है ये बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर में। समझ में आया कि बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रजिस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट।
लिस्ट का मतलब है आपको लिस्टेड करना है, मतलब आपको लिस्ट फॉर्म में लिखना है। लिस्ट फॉर्म में लिखना है मतलब आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, समझ में आया? रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलिए जी, ए एक्स सच दैट एक्स एन ओड नेचुरल नंबर। अभी आप एक इवन नेचुरल नंबर का सेट लिख के आ रहे हो। ओड नंबर क्या होता है? ओड नंबर वो होता है जो टू से डिवाइड नहीं होता। जब टू से डिवाइड नहीं होता तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? जब टू से डिवाइड नहीं होगा तो आप लिखोगे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। जो एलिमेंट टू से डिवाइड नहीं होंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इसने कहा एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 2। आपको इन दोनों के बीच का इंटीजर लेना है, ठीक है जी? इंटीजर होता क्या है? द सेट ऑफ इंटीजर। लास्ट क्लास में आपको बताया था आई भी बोलते हैं, जेड भी बोलते हैं। इंटीजर होता है -इंफिनिटी से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इंफिनिटी तक, ठीक है जी? यहाँ पे आपको इंटीजर लेना है। लेकिन उसने कहा -1/2 से ग्रेटर एंड 9/2 से लेस। यदि मैं 9/2 को लिखूं तो क्या मैं इसको 4 1/2 लिख सकते हैं? इसको 4 1/2 मतलब 4 तो कंप्लीट होगा प्लस 1/2। अब आप ये देखिएगा जो माइनस वाले हैं, इधर लेस नंबर होता है, यदि हम इधर को जाते हैं तो ग्रेटर होता जाता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे 1/2 से ग्रेटर लिया तो मुझे इस 1/2 कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे भाई, ये 1 तो कंप्लीट है, 1 कंप्लीट है तो 1/2 यहाँ पे होगा। यहाँ से इधर इधर के इंटीजर लेने हैं तो क्या उसमें 1 आएगा माइनस का? नहीं जी, -1 नहीं आएगा। इससे राइट में जाना है आपको, तो राइट में जाने पर यहाँ पे क्या होगा? 0 आएगा, इसके बाद 1 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, इसके बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा। क्या 5 आएगा? नहीं जी, 5 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे 4 1/2 से लेस लेना है, ठीक है? इससे लेस है तो 4 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है समझ आया होगा। यदि थोड़ा सा कंफ्यूजन है या तो आप कमेंट कर दीजिए, जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उस कंफ्यूजन को आपको नेक्स्ट क्लास में दूर किया जाएगा यदि कंफ्यूजन है। नहीं तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लोगे तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन 4, मतलब आपको लेस देन इक्वल 4 लिखना है, ठीक है? ऐसा इंटीजर लिखना है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 4 आए या फिर 4 से कम आए। इंटीजर दिया है तो इंटीजर के लिए क्या आएगा? यहाँ पे आएगा माइनस भी ले सकते हो, प्लस भी। इंटीजर है तो माइनस भी आएगा प्लस भी। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। मैंने -2 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा? 4, ठीक है? लेकिन 4 तो हम लिख सकते हैं, 4 के स्क्वायर तो -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात क्लियर? तो ये किसका आंसर हुआ? ये आंसर हुआ आपका थर्ड का, ठीक है? मतलब सी, सी इक्वल आ जाएगा। ये आंसर था किसका? बी का, बी इक्वल, ठीक है? चलिए ली नेक्स्ट। बी एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर इन द वर्ल्ड लोयल। ये देखो आपको अभी कराया था पीछे, शायद फर्स्ट क्वेश्चन में था या सेकंड में। इसको आपको रोस्ट लिस्टेड फॉर्म में लिखना है, मतलब LOYA। एल दो बार आया है लेकिन जब आप सेट के रूप में लिखोगे, लिस्ट के रूप में लिखोगे तो वहां पे आपको केवल एल लिखना है, ठीक है? चलिए जी, नेक्स्ट देखिएगा। इसने कहा ई एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डे। जब आप इसको लिस्ट के रूप में लिखोगे तो आपको ऐसे मंथ लिखने हैं जो मतलब 31 डे के नहीं है, तो आप यहाँ पे वो डे लिखो, वो मंथ लिखोगे जिसमें 30 डे होगा या फिर उससे कम होगा। जैसे फरवरी में 30 डे 28 होता है, 29 होता है, तो यहाँ पे 30 नहीं है, तो आपको वो मंथ लिखने हैं जो 30 नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जनवरी है, जनवरी कितने दिनों का होता है? जनवरी में 31 दिन होता है, 31 डे होता है जनवरी में, तो यहाँ पे जनवरी नहीं आएगा, फरवरी आएगा, ठीक है? फरवरी आएगा। क्या मार्च आएगा? नहीं जी, मार्च भी नहीं आएगा, फरवरी आएगा, मार्च नहीं आएगा। उसके बाद अप्रैल आएगा, ठीक है? जनवरी, फरवरी,
मार्च नहीं आएगा, अप्रैल आएगा, मई नहीं आएगा, जून आएगा, ठीक है। उसके बाद जुलाई नहीं आएगा, जून आया, जुलाई नहीं आया, अगस्त भी नहीं आएगा, इसके बाद सितंबर आएगा, ठीक है, फिर आएगा नवंबर। क्लियर, समझ में आया? मतलब आप काउंट करके देख सकते हो, इसमें यहाँ पे आपको वो मंथ लिखना है जो 31 डे का नहीं है। क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसने कहा एक्स सच दैट एक्स ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसीड के, ठीक है। मतलब आपको कॉन्सोनेंट लेना है, जो इंग्लिश लेटर होता है उनमें दो तरीके से वर्ड होते हैं, एक कॉन्सोनेंट बोला जाता है, दूसरा दूसरा वोवेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वोवेल। तो आपको यहाँ पे केवल वोवेल नहीं लिखने, क्या लिखना है? वोवेल नहीं लिखने। वोवेल होते क्या क्या है आप, वोवेल क्या होते हैं? वोवेल इंग्लिश लेटर में वोवेल केवल कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के। वो क्या क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, जो वोवेल होते हैं उनको बोला जाता है ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो आपको ये नहीं लिखने, बाकी लिखने हैं, बाकी लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे जो के है, ठीक है, उससे प्रोसीडिस, प्रोसीडिस का मतलब होता है उससे लेस लेस, बात समझ में आई? प्रोसीडिस का मतलब होता है इससे पहले पहले, जो के से पहले पहले आएगा उनको आप लिखोगे, जो के बाद आएगा उनको नहीं लिखना है। तो के पहले क्या क्या आएगा? एक तो बी आएगा, बी सी डी एफ जी एच एंड जे, बात समझ आई? जो यहाँ पे के लेटर दिया गया है इससे पहले लिखना है, और जो वोविल होगा वो नहीं लिखना है। तो आपको ये लेटर लिखने हैं, समझ आया? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसने कहा मैच द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑफ द राइट डिस्क्राइब इन द बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे जो आपको दिया गया है ये दिया गया है रोस्टर फॉर्म, जो इधर दिया गया है ये दिया गया है बिल्डर फॉर्म। तो आपको ऐसा नंबर लिखना, मतलब इनको मैच करना है, ठीक है। देखिएगा 1 2 3 6, इधर देखिएगा, पहले आप इधर पढ़िएगा, ये है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है, देखो नंबर दो तीन प्रकार के हैं, यदि आप नॉर्मली से समझो। एक तो होता है इवन नंबर, इवन क्या होता है? जो डिविजिबल होता है बाय टू, बाय टू मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन। दूसरा होता है ओड नंबर, ओड नंबर क्या होता है? नॉट डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड बाय टू मतलब 1 3 5 7, ये आपका आ जाएगा ओड नंबर, ठीक है। एक तीसरा आया प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है जो नंबर या तो वन से डिवाइड होगा या फिर सेल्फ डिवाइड होगा, या तो वन से डिवाइड होगा या फिर सेल्फ डिवाइड होगा। सपोज जैसे 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, या तो वन से होगा या टू से, या तो वन से होगा या थ्री से, या वन से होगा या फोर से। जैसे मैंने 4 लिखा, ये वन से भी डिवाइड होगा, टू से भी डिवाइड होगा। या जैसे मैंने 6 लिखा, ये वन से भी डिवाइड होगा, टू से भी, थ्री से भी। तो प्राइम नंबर में आपको वो लेना है या तो वन से डिवाइड हो या फिर वो खुद से डिवाइड हो, सेल्फ डिविजिबल हो, ठीक है। तो आप यहां देखिएगा एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। हाँ, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, आप इस बात को याद रखिएगा कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, 1 को हम प्राइम में काउंट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि 1 जितने भी नंबर है उन सब का डिविजिबल होता है, उन सब का डिवाइजर होता है, तो 1 को हम प्राइम में काउंट नहीं करेंगे। पर सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। क्या होता है? 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर, प्राइम, ठीक है, लिस्ट प्राइम, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। तो ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो 6 को ऐड करे तो 2 होगा या फिर 3 होगा, इसके बाद नहीं होगा। तो ये किस पे मैच करेगा? ये मैच करेगा इस पे। क्लियर। इसके बाद इसने कहा एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10।
इज एन ओड नेचुरल नंबर, और लेस देन 10 ओड नेचुरल नंबर है और 10 से लेस है, ओड लेना है मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है। यदि आप यहाँ पे जाओगे तो इसमें 2 है, ये तो मैच हो गया, इसको तो छोड़ो। यदि यहाँ पे जाओगे तो 2 है, 2 नहीं है तो क्या होगा, ये होगा, तो ये मैच होगा सेकंड से, क्लियर। इसके बाद देखिए एक्स इज दैट एक्स नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। यहाँ पे डिवाइजर ऑफ 6 क्या है, सॉरी यहाँ पे डिवाइजर ऑफ 6 क्या है, ये नहीं बोला कि वो प्राइम है कि नहीं, तो यहाँ पे इसके कंप्लीट डिवाइजर आएंगे, तो ये फर्स्ट मैच हो जाएगा थर्ड से। बचा क्या, द एक्स इज दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे आप ये मैच करोगे डी से, क्लियर। समझ आया, उम्मीद है सभी को क्लियर हुआ होगा। यदि फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है आप वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कुछ समझ नहीं आता आप कमेंट कर दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको और एक्सप्लेन करके समझाएंगे, ठीक है। यदि आप आगे मैथ से कुछ भी करना चाहोगे, ये वो चैप्टर है जो आपको हर स्थान पर हर जगह मैथ में मिलेगा। यदि आप इसको नहीं समझोगे, इसको नहीं करोगे, आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होगी। जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, जो मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सेट थ्योरी से बनते हैं, और सेट थ्योरी स्टार्टिंग यहीं से है। तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे 1.1 समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से, इसको आप यहाँ तक ध्यान से समझिएगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, ठीक है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कराओगे, अपने दोस्तों में शेयर करोगे, ठीक है। जितना हो सकता है आप सब्सक्राइब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इलाइट एकेडमी आपका अपना चैनल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आपको जो एक्सरसाइज कराई जाएगी उससे पहले आपको एक वीडियो एग्जाम्पल और उसका बेसिक कंटेंट जो होगा उसकी दी जाएगी, ठीक है। जो बेसिक कंटेंट होगा उसकी दी जाएगी, और जो एग्जाम्पल होंगे, जैसे आपको कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, आपको उससे पहले एक वीडियो में उसका एग्जाम्पल मिलेगा, बेसिक कंटेंट मिलेगा, और उसके बाद उसको नेक्स्ट वीडियो में उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे। यकीन कीजिएगा, आप यदि कंटिन्यू हमारे साथ रहोगे तो आपका, हम यहाँ पे अभी बेसिक स्टार्ट किया है 11th 12th से, ठीक है, लेकिन ये हम हायर लेवल तक लेकर जाएंगे, जेई एडवांस एंड आईआईटी जेम, सभी एग्जाम के लिए हम बेस यहीं से क्लियर करते चलेंगे। तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।